बुलेटिन आरंभ करिबा पानीपाग खबर। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप अधिक घनीभूत होइछि। गभीर अवपात रूप नेबा परे यहा अधिक प्रभावी होइछि। उत्तर आंध्रप्रदेश छुईछि गभीर अवपात। आंध्रप्रदेश काकीनाडा निकट में छुईछि गभीर अवपात। सकाळ 6:30 रु 7:30 मध्ये अतिक्रम करिछि गभीर अवपात। फलरे राज्यर दक्षिणांचलर मालकानगिरि रायगडा कोरापुट गजपति गंजाम अति प्रबल वर्षा लागि रहिछि। ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि पाणिपाक विभाग। सेहिपरि नवरंगपुर कंधमाल पुरी रे एवं खोर्धारे प्रबल वर्षा नहीं जारी होइछि येलो वार्निंग। उपकूल ओडिशा समेत उत्तर उपकूल ओडिशा रे वर्षा सांगकु पवन बेग घंटा प्रति 55 रु 60 किलोमीटर रहिपारे। सेपटे 8 जिला को 14 तारीख रे येलो वार्निंग दिया जाइछि एवं 15 रु 17 तारीख वर्षा कम रहिबो बोली पाणिपाक विभाग कहिछि। अन्यपटे आसंता 17 तारीख रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप बल सृष्टि हेबार संभावना अछि। जदि ए लघुचाप सृष्टि हुए या प्रभाव रे आसंता 17 रु राज्य रे वर्षा हेबो। 21 तारीख पर्यंत राज्य रे अधिकांश स्थान रे वर्षा हेबार संभावना थिबा पाणिपाक विभाग कहिछि। इसका प्रभाव में हमारा उड़ीसा के लिए जो मेन वार्निंग है फिशर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है फिशरमैन को 13 तारीख तक समुद्र जाने के लिए बिल्कुल माना है। मेनली हमारा साउथ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ ये सब में और मालकानगिरी रायगढ़ कोरापुट गजपति गंजाम इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक तो जाकर के नेक्स्ट 24 आवर्स में होने का चांसेस है। भुवनेश्वर भी वर्षा आरंभ होइछि। राजधानी विभिन्न अंचल रे सकाळ सकाळ वर्षा लागि रहिछि। घड़घड़ी सह पवन भी बहुत बा देखिबा को मिलिछि। वर्षा जोगु किछि स्थान रे पानी जमिथिबा नजर आसीछि फलरे जनजीवन बाधाप्राप्त होइछि। अधिक आलोचना पई सीधा सडक जिबा प्रतिनिधि अजेश मल्लिक निकट को। अजेश राजधानी रे वर्षा केमिति? निश्चित भाव देखु बंदिता जी कह जेहेतु दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप बर्तमान जब कह आंध्र अतिक्रम करी जहाँफल देखुए सीधा सख्त जब कह 8 प्राय वर्षा आरंभ हो तुहा को तुहा बर्तमान जब कह राजधानी बर्षा लगि रही ये हूँ जयदेव विहार पाखर जयदेव विहार छक चित्र सीधा सख देखुए कि समय पूर्व जो वर्षा होता पाँच निष्कासन हो सत कि बर्तमान सुधा भी संपूर्ण भाव निष्कासन होना जी कह केवल ये गोटे स्थान नुहे राजधानी जो प्रमुख छक गुड़ी आम कह आप एजि छक कथा कहतु आपंकर जब कह पुलिस कमिशनरेट ऑफिस छक कथा कहतु कि इस्कन मंदिर ठूँ आरंभ करी जो विभिन्न किसी तलिया अंचल रही पाँच अनेकांश लहड़ी मारे पाँच जमिक रही देखा मिली कारण देखा मिली जो 8 वर्षा लगातार भाव जारी रही सामान्य 5 रु 10 मिनिट गैप हेले भी परवर्त मुहूर्त में वर्षा लगातार भाव होता देखा मिली प्राय 8 एपर्तंत जब कह कंटिन्यूस जदि हम लगि रही कारण देखा मिली सामान्य जनजीवन बाधाप्राप्त होती लोक मैंने जो मैंने सामान्य जो छता जो मान पाखे ना से विद्युत देखा मिली जो कि गाड़ी चलाचल सामान्य बाधाप्राप्त होता अधिक वर्षा होती देखा मिली बाधाप्राप्त होती आपड़ जो देखिए जितेबाला जहाँकि कहुला जो यू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप पाखापाखि 6:30 रु 7:30 समय आंध्र अतिक्रम कर देखिए विभिन्न स्थान में राज्य में खबर आस राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा लगि रही कि विशेषकर आम देखु प्राय 7:30 रु 7:30 आरंभ हो वर्षा संपूर्ण भाव कह भुवनेश्वर में लगि रही आप जब कह केवल देखा मिले अनेक समय वर्षा हेल्ले भुवनेश्वर केवल किसी लिमिटेड बा स्थान देखा मिलता है कितु आज देखा संपूर्ण समग्र भुवनेश्वर में वर्षार प्रभाव देखा मिली कारण विभिन्न स्थान में छक छक पा जमी तलिया अंचल जो गुड़िक रही विशेषकर जयदेव जो तल तलिया स्थान जो सबुदिन पर जमे सेठार इस्कन मंदिर कमिशन पुलिस अफिस छक जो कह आपस शिशु भवन छक यही जो विभिन्न प्रमुख स्थान गुड़िकर देखा मिली पा संपूर्ण भाव लहड़ी मारूँ कारण सामान्य गैप होगा पर हूँ तो पानी निष्कासन रोचे किंतु देखा मिलूँ पानी संपूर्ण भाव विभिन्न स्थान में निष्कासन हो पार नहीं अर्थात जमिक कारण देखो ये जहाँकि कहुला जे पाखापाखि 5 जिला को जेहेतु ऑरेंज वार्निंग जारी करा 4 जिला येलो वार्निंग से क्रम देखा जो 5 जिला मालकानगिरि रायगढ़ कोरापुट गजपति और गंजाम येलो वार्निंग नवरंगपुर कंधमाल पुरी और खोर्धा जेहेतु खोर्धा येलो वार्निंग जी कह तार जो लघुचाप प्रभाव डीप डिप्रेशन अतिक्रम कर प्रभाव देखा मिली कारण तमाम जब वर्षा कह वर्षा लगातार भाव बर्तमान जब कह जारी रही कारण किसी समय गैप जब कह 3 रु 4 मिनिट गैप रोचे कितु जब कह
लगातार भाव वर्षा जदि कह कंटिन्यूसली जारी रही नीतभाव कहुई पार जेहेतु आज और आसंता काली जेहतु वार्णिंग रही आसंता काली आठट जिला येलो वार्णिंग रही जेहतु आज पांचट जिला ऑरेंज वार्णिंग चार जिला येलो वार्णिंग रही तेणु जदि कह से स्थान में वर्षा जारी रही विशेषकर जेहेतु खोर्धा येलो वार्णिंग कारण देखो पवन बेग जेहतु कहुला यह समय पाखापाखि जिते अतिक्रम कर 55 रु 65 किलोमीटर पवन रेग रही पाए जदि कह गस्टिंग स्पीड समय 75 किलोमीटर घंटा प्रति रही पाए किंतु जदि ताेतु भुवनेश्वर देखा मिले ना जेहतु दक्षिण ओडिशार जिलार अवश्य यार प्रभाव पड़ता अपडेट सूचना आसूँ किंतु जदि कह बर्षार प्रभाव जदि कह कम ना भुवनेश्वर कारण भुवनेश्वर आम देखु लगातार भाव बर्षा बर्तमान सुधा भी जारी रही अवश्य बर्तमान जो कह झिपझिप बर्षा होना देखुलू प्राय जो 7:30 लगातार भाव के जितने 5-10 मिनट गैप रोचे पुनर्बार बर्षा होना देखु विभिन्न स्थान यार प्रभाव में विभिन्न स्थान में बर्तमान पा लड़ी मारे पा जमीते लेखा हो जनजीवन सामान्य बाधाग्रस्त वर्षा देखा मिलूँ और बहु स्थान में पा जमी रही लोकंर जावासबार असुविधा से भोग करवाद सविशेष आलोचना सेपटे गजपति जिले में गतकाली राति वर्षा आरंभ हो राति सारा वर्षा लागि रही जिलापालंक पक्षरु सबु ब्लॉक प्रशासन को सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। पहाड़ ऊपर थिबा लोकंकु बात्या आश्रयस्थली को आनिबाकु जिलापाल पूर्वरु निर्देश देइथिले। जिलार 4टि ब्लॉकरु प्राय 500 लोकंकु बात्या आश्रयस्थली रे रखा जाइथिबा प्रशासन पक्षरु कहा जाइछि। 4टि ब्लॉक हेउछि राउदयगिरी, रायगढ़, गुम्मा एवं काशीनगर। सेपटे गंजाम जिलार विभिन्न अंचल सह ब्रह्मपुर सहर रे लघुचाप जनित लगाण वर्षा जारी रही। रविवार ठारु सोमवार संध्या पर्यंत जिलार 321 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। छत्रपुर रे सर्वाधिक 52 मिलीमीटर वर्षा होइतिबा सूचना मिलिछि। जदि पुरी कथा कहिबा पुरी रे लागि रही लघुचाप जनित लगाण वर्षा गतकालीरु झिपिझिपि वर्षा होउथिया बेले आज सकाळु तुहाकु तुहा वर्षा होउछि। वर्षा जोगु लोके घरु बाहरिबारे समस्या देखा दैछि। सेपटे वर्षा जोगु बडदाण्डर उभय पार्श्वरे पानी जमि रहुथिबारु लोके दोकान बजार को जिबा बेले समस्या सृष्टि होउछि। नळापाणी एवं वर्षा पानी एकाकार होइ पडिथिबारु आवर्जना भासी पुतिगंधमय परिवेश सृष्टि करुछि। नळारे जल सठिक भाबे निष्कासन होइ पारु नथिबारु रास्तारे पानी जमुथिबा अभियोग होइछि। अधिक आलोचना सीधासलख जावा पूरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्र निकट को। अक्षय वर्तमान वर्षा तो जारी रही कौन केमती पूरी रे वर्षा होनेपटे पा जमुच लोकंर कौन कम्प्लेन रोचे से नहीं देखु ये लघुचाप जनित वर्षा जो गत काली रात एजावत वर्षा लगि रही जदि देखा कि वर्षार मात्रा केते बड़े जोर हो तो केते बड़े झिपझिप होतु या फल लोक मैंने घर बाहर मुस्किल हो पड़ी। मुझे बड़दाणर दृश्य देखा चाहिए आपत देखुए कि वर्षा फल लोक मैंने जो घर बाहर बेले अनेक समस्या सम्मुखीन होती देखुए कि कारण ये लघुचाप जनित वर्षा जहाँ फल देखुए कि मझे मझे तुहाकु तुआ वर्षा होगा फल लोक मैंने जी घर बाहर कि रेनकोट नहीं आस तो कि साधार आस उदा कि जाऊँच किंतु जो मैंने सका सका पनीपरिया मार्केट हो बा विभिन्न कार्य बाहर से समस्या सृष्टि होती पुरी रे यदि कथा कह तेज पुरी रे वर्षा जहाँ कहुए कि अल्प टिके वर्षा हेल्ले पा जमी जाए बड़दाण उभय पार्श्वे जहाँफल लोक मैंने हईरा हूँ दोकान जगह हईरा हूँ और विशेष भाव में पूरी बड़दाण मेडिकल छक आरंभ कर बड़गंडी छक पर्यंत उभय पार्श्वे हालाका हालाका पा जमिक रही कारण जल निष्कासन जो नल हुए नला जेहतु जम रही अल्प अल्प पा जातु जो भी भाव में वर्षा रोचे पा जमिले से पुति गंधमय परेश सृष्टि होफर लोक मैंने असंतोष व्यक्त करपटे जी कह तेज जेहेतु ये वर्षा प्राय दुई दिन धरी लगातार जारी रही आज सका जो भाव में वर्षा हो ता फल विभिन्न समस्या लोकंर सृष्टि होती विशेष भाव में जिला प्रशासन पक्षर पूरी जिलार जतक मत्स्यजीवी रही कोणार्क आरंभ कर कृष्ण प्रसाद पर्यंत समस्त की समुद्र भितर को नजाप मत्स्यजीवी को बारण कर तेणु कौन सी मत्स्यजीवी डंगा नहीं समुद्र भितर को जातु ना कारण एवं जो भाव में आंध्र प्रदेश में जो भाव में अवपात रूप नहीं लघुचाप प्रभाव में यह वर्षा हो समुद्र भितर उ
उच्च लहड़ी होउछि जुआर रहिछि तेणु निश्चित भाव वर्तमान समुद्र भितरक जीवा विपज्जनक जो मत्स्यजीवी जाते हैं गत का सूचना दिया जाए कूल को अणा जाइए जो मैंने माछ मारे जाते तो निश्चित पक्षे जदि कह तेज वर्षार परिमाण आप देखुए आकाश मैं मेघाच्छन्न रही विशेष भाव में पूरी में गत काली राति 9 एजावत लगातार वर्षा जारी रही किंतु से भली कौलसी जलानव परिस्थिति तलिया अंचल सृष्टि होइनै तथापि जिला प्रशासन पक्षर पूरी बड़दंडा जो भाव पानी जमी जाए कौन तलिया अंचल पानी जमी जाए से अग्निशम विभाग को निर्देश दिया जी से माने पानी पंप रेडिक रखिंट जल निष्कासन करने प्रस्तुत रही तेरु जिलापाल निजे यार रिव्यू कर तो निश्चित भाव आप देखुए पूरीर ये मेघाच्छन्न आकाश दृश्य जोटी की वर्षा परिमाण बढ़िवार लगी अंपटे जदि कह तेज प्रशासन पक्षर पूरी पौर संस्था हो विभिन्न ब्लॉक मानक हो जिलापाल समस्त वीडियो और तहसीलदार मानक सूचना देखते हेडक्वार्टर न छड़ापी उपस्थित रहापी कारण जदि वर्षार परिमाण अधिका बढ़े तेज निभे अधिकारी बर्तमान प्रशासनिक अधिकारी आलर्ट रखा जामी किसी परिस्थित उपजे सतर्क रहीदेश रही वर्षा बर्तमान जारी रही पुरी में धन्यवाद अक्षय सविशेष आलोचना परवर्ती खबर को आसिबा कटक रे पुणी एक एटीएम रो लूट उद्यम गैस कटर एटीएम को काटी लूट उद्यम करा जाई छी एवं दुर्वृत्त धरा पड़ी छी अभियुक्त कटक रखी पचरा उचरा करू छी पुलिस एने के अधिक आलोचना पई सीधा सड़क जिबा हम प्रतिनिधि नभेश निकट को नभेश वर्तमान केमिति कोन टिके जानिबा को चाहिबू एटीएम रो लूट उद्यम करला बेला अभियुक्त धरा पड़ला सेने के सूचना अछि कि कटक डीसीपी को तरफ रु सेमिति के सूचना अछि कि जदि आम डीसीपी कथ कह तेज बंदीता मात्र अल्प समय पर डीसीपी गोटे सांबादिक सम्मेलन कर पूरा घटना कौन था तार पर्दाफाश करेंगे पूर्व मुझे चित्र देखा चाहूँगी जे ये हूँ गंडरपुर से एटीएम जो थी कि लुट उद्यम होता है पुलिस से उद्यम को पंड करदी ये एटीएम क्या कथ कह 30 लाख टाँचा अच्छी कहुला कि जहाँ कहु 20 लाख रु ऊर्ध टा ए जिते बड़े एटीएम टी कथा कह एटीएम यहाँ बिना सुरक्षाकर्मी एटीएम टी चली सब बड़ कथ रहा जहाँ पुलिस कहवा कथा अच्छे एपर्तंत जिते बड़े एटीएम टी विलंबित राति खोला गला से ही समय गोटे सैरन बाजिला जहाँकि थाना सहित जो लिंक अच्छी लैंडफोन सहित से सैरन बाजिया फल चावलियागंज थाना पीसीआर प्रथम ये पहुंची और पहुंचा पर एटीएम भितर एटीएम टी अधा खोला थी एवं भितर गैस कटर लाइट पुलिस देखा पाई जहाँफल कि पुलिस जो पीसीआर ड्राइवर थे से तुरंत गाड़ी ओह्लै यू ओह्ल एटीएम से अधा सटर बंद थी सटर को संपूर्ण बंद कर देते और स्पेशल स्क्वाड आसी पहुंची समस्ते उपस्थित थे जदि कह 16 नंबर जातीय राजपथ कड़े एटीएम टी रही बंदित या पूर्व उद्यम होती आम जब पुणी एटीएम लुट्र घटना कथ कह चावलियागंज थाना वरिष्ठ अधिकारी मैंने पहुंची थे से पहुंचा पर एटीएम रो सटर को खोल जाता जन युवक को पुलिस धरवे सफल होता सब बड़ कथ रही संपृक्त युवक जनक पुलिस पक्षर जहाँ कहु जे यूट्यूब्रु देखि एटीएम काटार टेक्निक को से शिखिंट निकटवर्ती अंचल गंडरपुर अंचल से एक घरे भड़ा नहीं रहउछन्ती निज घर तांकर जगसिंहपुर रहिछि इतरे आउ का जणे युवक सेतिर संपृक्त अछन्ती ना सेतिर तांक सहित आउ के संपृक्त अछन्ती किछ कहलेनी कि पुलिस देखन तो रास्ता आरपटे आउ गोटे होटल रहिछि से होटल रे कुहा जाउछि जे तांकर किछ 3 जण सहयोगी थिले एवं ये धरा पडिया पर संपृक्त युवक सेमाने कोडे चंपट मारिछन्ती पुलिस अनुदान करिछि सबटु बड कत रहला भुवनेश्वर रे जो एटीएम लूट होला 37 लाख टका सेटु लूट होइछि तार या सहित किछ संपर्क अछि कि बा एई जो अभियुक्त धरा पडिछि से एटीएम लुट सहित संपृक्त कि कारण पूर्व आम देखी जो सीरीज अफ लुट्स होता एटीएम कटक रे गोटे बाहर ग्यांग आसी कर हरियाणा गोटे ग्यांग करता एटीएम को मैं लुट करते पाखापाखी 25 लाख टाँग यू उठा जाता काटिकी दुर्बृत्त मैंने नहीं जाइए और हरियाणा को जी चावलगंज थाना पुलिस गोटे स्वतंत्र अपरेसन कर 4 जण दुर्बृत्त धरवे सफल होता कि दुर्बृत्त जी रही ये हूँ स्थानीय बासिंदा आम कह लोकाल लोक इटिकार जेहेतु से गंडरपुर अंचल रोचान तेणु या पचर आउ कौ अच्छा निहाती भाव खोजी बाहर करवा गोटे बहुत बड़ कह टास्क पुलिस
ଡିସିପି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଡିସିପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ। ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଅଛି ୟାର ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି କେମିତି ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଅଟକ ରଖି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନେବେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇ ଯିବା ଏକ ବିରତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା କୁଣ୍ଡୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ପିସିସିର ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମମତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବରୁ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ରେସ୍ରେ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ମଇଦାନରେ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେଡି ଟିକଟରୁ ଲଢ଼ିବେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ସେପରି ବିଜେପି ଟିକଟରେ ଲଢ଼ିବେ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା। ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଛାଡ଼ି କିଛିଦିନ ତଳେ ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ସବୁ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ କରି ବିଜେଡି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସ ଦତ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ମଦନମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକଟ ଦେଇ ବିଜେପି ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଉ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଜି ମାରିବା ହାତ। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସତ୍ୟଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି, ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କାଲି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅନେକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା। ତେବେ ସବୁ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ପରେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ସମୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କଲରୀ ରହିଛି, ସେଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଟିଂ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ, ଏବଂ ସେହି ମିଟିଂ ପରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଣନୀତି କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦିଓ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ହୁଏତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନମିନେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମିନେସନ୍ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ବି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନମିନେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଫର୍ମ ମାତ୍ର ଜଣେ ଆସି ନେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା କି ଫର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ନମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେହିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ହୁଏତ ନମିନେସନ୍ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତିନି ଦଳଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ନେଇ ଯିବେ, କ'ଣ ବିଷୟ ନେଇ ଯିବେ, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ନେଇ ଯିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟରକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜୁଟେଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ତୁଙ୍ଗ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିବା ଯେ ବିଜେପି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସେଭଳି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନ୍ତା ବିଲକୁଲ, ଆଜି ତିନି ଦଳ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତିନି ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ହୁଏତ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ଅନାଥ ବାଳକ ବାସୁଦେବ ଭୂମିଆର ସହାୟତା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ତେଲଗା ବେଚା ଗାଁରେ ବାପା ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହା ହୋଇ 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାସୁଦେବକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ବାସୁଦେବ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ମାଥିଲି ବିଡିଓ ଆଶିଷ ଭୋଇ ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସଲପ ପଦରେ ପହଞ୍ଚି ବାସୁଦେବକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।